ये जी गिफ्ट मेरा आ गया, सही है। ये बन रही हैं, ये पकोड़े वगैरह भी लगा। अच्छा ये सब ठीक है, खैर करिएत है। आज मेरा एक सरप्राइज आया, ठीक है, मेरे अब्बू ने भेजा है, वो मैं ला रहा हूँ अभी, बस लेने के लिए जा रहा हूँ। होपफुली आज मिल जाएगा, तो उसको फिर मैं अनबॉक्स करूँगा आज, और वो फिर मैं दिखाऊँगा आप सारों को। तो अभी बारिश भी हो रही है, बस मैं गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, बस मैं निकलने वाला हूँ। ये जी गिफ्ट मेरा आ गया, सही है, और ये असद आ गया, असद व्लॉग में आ गया, और ये बारिश हो रही है, ठीक है, बड़ा मौसम बना हुआ है। बस अभी मैं चलता हूँ घर। मुजीब आया हुआ है, मुजीब की वीडियो सबने देखी होगी, डांस वाली, ठीक है, और अब मैं मुजीब के साथ जा रहा हूँ। बारिश का मौसम है, थोड़ा सा आउटिंग शाउटिंग करते हैं, बड़ा फिट मौसम हुआ हुआ है। जलेबी बन रही हैं, बड़ी फिट, और मैं जलेबी में ये समोसा चाट खाऊंगा। ये भी बड़ी मशहूर शॉप है इस्लामाबाद की। मेरे साथ मुजीब खड़ा हुआ है, और ये लाइन लोग काफ़ी सारे लगे हुए हैं लाइनों में, मौसम भी अच्छा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। ये भाई हैं जी, जलेबी बनाते हैं। क्या नाम है आपका? अदील नाम है, नदीम भाई जो है इस तरह जलेबी बनाते हैं। पंजाब समोसा चाट है, बड़ा मशहूर है इस्लामाबाद का। मेरे सामने इनके रेट शेट बैठे होता है। ये जी डॉक्टर अफान कहते हैं ना गंदे ऑयल वाले, वो ये रहे समोसे, मगर ये साफ ऑयल है, इन्होंने अभी ये डाला है, सही है, गंदा नहीं है, साफ सुथरा है। और ये समोसे लगे हुए हैं, ये भाई चटनियाँ चटनियाँ वो कर रहे हैं, ये मीठी है ना, ठीक है। और वो ऊपर भी जलेबी समोसा सारा कुछ चाट शाट यहाँ मिलता है बेहतरीन किस्म का। ये पकौड़े वगैरह भी लगा रहे हैं। अभी ये चेक करें जी, समोसा चाट बड़ी जबरदस्त किस्म की, ये समोसा है इसके अंदर बेहतरीन किस्म का, माँ सर्दी बेस्ट समोसा चाट इस्लामाबाद, सही है। हाँ अभी मैं ट्राई करता हूँ जलेबी, जलेबी है ये वाली, ठीक है, ये बहुत बड़ी हो गई, ये पीस ठीक है, ज़बरदस्त, अभी निकाली थी उसने गरम गरम, जो ठंडी हो जाए मज़ा नहीं आता, गरम हो तो बहुत फिट होती है जलेबी जी। केसी आ गई खाना। अच्छा तो सीन ये है कि मैं ना दोबारा आज मैं बाहर निकला हूँ, वासिफ आ गया था, मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था, तो वासिफ ने मुझे कहा कि यार चलते हैं बाहर फिरते हैं, फिरने शिरने गए हैं, फिर खाना खाने आ गए। अब यहाँ पे सारे माजिद आया हुआ है एज यूजुअल। यस तुम जा नहीं रहे हो माजिद यार? अच्छा ड्रिंक्स भी आ गई हैं। जलील है, जलील आज तो यार तुम शर्माओगे नहीं ब्लॉग में। और हसन साहब कैसे हैं? हसन भी बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा, उस दिन मिला भी था। और डब्बू आप लोगों को देखे, खाने की तैयारी में शर्ट शूट सब उतार दिया।
अच्छा ये वाव बॉक्स में ठीक है, एक चिकन पीस है, फ्राइज है, एक जिंगर बर्गर है एज यूजुअल जो केसी का मेन्यू होता है। इस बार हमें ये भी मिल रहा है, कोल्सलो है क्या, ठीक है, ड्रिंक वगैरह। तो खाने छाने का रिव्यू देने का फ़ायदा नहीं है, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता के दिखा चुका हूँ केसी के क्या टेस्ट है। मैं खाऊँगा खाना, उसके बाद जो सरप्राइज़ रखे ना मैंने घर में उसको आज मैं अनबॉक्स अभी जाके करूँगा घर में, फिर आप लोगों को वीडियो दिखाऊँगा उसकी सारा सीन। तो तब तक वेट करना होगा सबको। जी वापस मैं आ गया हूँ, खाना शाना खा लिया, उनके साथ बड़ा इन्जॉय किया, अच्छा दिन गुजरा मेरा बहुत। काफ़ी बाहर 3-4 दफ़ा बाहर गया हूँ, घुमा फिरा हूँ, और खाना भी अजीब, बस बाहर वाले गंद खा रहा हूँ, कोई दोस्त कोई ये वो, कल कज़न ताशवीन ने खिला दिया था, तो इसी तरह मेरी ना डाइट होनी है ना ही जो है अपना मेरा मैदा ठीक होना है। तो कोशिश करता हूँ ना ही खाऊँ, मगर बस क्या करूँ फिर। दूसरा ये है कि दाढ़ी बढ़ गई है, बाल भी बड़े ख़राब हो गए हैं, कटवाए नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल जाऊँगा। हमारा प्लान था मरी जाएंगे, आज स्नोफॉल है वहाँ पे, एक्सपेक्टेड थी और बल्कि हो भी गई है, मेरे एक दोस्त की उसकी स्नैप देखी है मैंने, तो मगर वो फिर एक जो जलील था उसको जल्दी जाना था, उसकी वजह से प्लान वो वाला नहीं कर पाए हम लोग। तो अभी बारी आती है मेरे जो सरप्राइज़ दिखाना था ना आप लोग को, तो ये डब्बा है जी, ये खाली कर दिया मैंने, और जो सरप्राइज़ आया है वो मेरा है ये, ठीक है, ये जूते मेरे आए हैं, मेरे अबू ने भेजे हैं ऑस्ट्रिया से, मुझे ये स्टाइल के एडिडास वाले जूते बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास एक वो भी है अपना क्या कहते हैं, इस तरह के ग्रे कलर में भी हैं, जिनकी हालत बहुत टाइट हो गई है, गंदे बहुत हो गए हैं मगर मतलब ख़राब या फटे छटे नहीं हैं। ये जूते हैं भाई, और हैं ओरिजिनल हैं ये, ठीक है, कॉपी शॉपी नहीं है, बाहर से आए हैं, और इसकी मेरे ख्याल से प्राइस इस पे नहीं मेंशन है, साइज़ वगैरह ही मेंशन है। तो ये असल में मैं बाहर से इसलिए मंगवाता हूँ क्योंकि वहाँ पे सस्ते मिलते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये एक दफ़ा देख लें फिर, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इन जूतों की, तो इस वजह से मैंने ये जूते मंगवाए हैं, मंगवाए तो नहीं सॉरी, कहा था अबू को, मगर मुझे नहीं पता था आएंगे, तो उन्होंने बोला था भेज दूँगा, मगर अब सरप्राइज़ मिल के आ गए हैं, तो थैंक यू अबू का, और अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे बड़े पसंद हैं, मुझे जूते मिल गए हैं। टाइम था मैं बहुत ढूंढता रहता था, पाकिस्तान में नहीं मिलते थे, जब मिले तो बहुत महंगे मिलते हैं और क्वालिटी अच्छी नहीं, तो शुक्र है अब ये मेरे पास दो हो गए हैं। दूसरे वाले आपने अपने व्लॉग में देखे ही होंगे, जिनकी अक्सर मैंने बनाई भी है, उनकी हालत टाइट है, बहरहाल इनको मैं यूज़ करूँगा इंशाल्लाह इसके बाद। और ये कि आज का व्लॉग एंड करते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और वीडियोस को पूरा देखा करें एंड तक, एक एक सेकंड वीडियो का स्किप मत किया करें वीडियो को, और आई होप यू गाइस विल एंजॉय माय व्लॉग्स, ठीक है। तो ये के कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह, सारे अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।